12 साइंस मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस किया था, क्लियर। अब इस वीडियो लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब देखो, हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी 2.1 उसमें सिंपल क्वेश्चन थे, उसमें कुछ ज्यादा फॉर्मूला का हमने यूज नहीं किया, कुछ भी करा नहीं, वो सिंपल क्वेश्चन थे। पर अब का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जो हम अब एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, तो कि कुछ प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, वो इस प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप रीड करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। मैं आपको टेक्निक एक दिखा दूंगा कि भाई इसको कैसे याद रखते हैं, ठीक है, दिमाग में कैसे रखते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो फर्स्ट में क्या है, देखो जो फर्स्ट में तीन जो क्वेश्चन है ना, तीन प्रॉपर्टी, तो तीन प्रॉपर्टी 1/x में है, ये तीनों तीन 1/x में है। मतलब साइन इनवर्स 1/x हो तो उसको हम कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं, और x मेरा ग्रेटर हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो हमारा x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो भाई ये क्या है, ये क्या है, ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है कि अगर मेरा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, या तो हमारा x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तभी मेरा cos इनवर्स 1/x है ना, वो cosec इनवर्स x देगा। अगर ये कंडीशन है x ग्रेटर देन 1 है, या तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्लियर। ये कंडीशन के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे जो कोर्स है, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस में ओनली प्रॉपर्टी का यूज होता है, कोर्स ये जो कंडीशन है ना, कंडीशन की बातचीत यहाँ नहीं करती, क्योंकि आप आगे जाओगे ना मैथमेटिक्स के लिए आगे जाओगे, या तो आप कोई भी अदर बुक ले लो ना, आप आर डी शर्मा ले लो, तो आर डी शर्मा में ये सब कुछ डिस्क्राइब करके आपको दिया हुआ है, इसका क्या यूज होता है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, क्लियर। यहाँ हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले नहीं हैं, ओनली इसके लिए डिस्कस करेंगे। चलो सेकंड देखो कि अगर cos इनवर्स 1/x है, तो इसको हम sec इनवर्स x लिखेंगे, tan इनवर्स 1/x है तो उसको हम cot इनवर्स x लिखेंगे। देखो तीन प्रॉपर्टी हुई 1/x के लिए, क्लियर। चलो अब तीन प्रॉपर्टी है वो माइनस एक्स के लिए है, देखो पर ये माइनस एक्स के लिए क्या है कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, और साइन जो हमारा फंक्शन है ना वो एज इट इज है। अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस बाहर निकल जाएगा और जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो मेरा माइनस बाहर निकल जाएगा जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। आई बात समझ में? तो तीन हुआ 1/x में, तीन प्रॉपर्टी होगी माइनस एक्स में, और जो तीन प्रॉपर्टी है दूसरी ये भी माइनस एक्स में, पर यहाँ डिफरेंट क्या है कि ये भाई माइनस तो निकलेगा, ये कोस इनवर्स माइनस एक्स है ना, वो माइनस एक्स कोस इनवर्स तो होगा ही, पर ये पाई में से माइनस होगा। ये किस में से माइनस होगा, पाई में से। अगर मेरे पास sec इनवर्स माइनस एक्स है तो वो क्या करेगा कि वो पाई में से माइनस sec इनवर्स एक्स निकालेगा, और तीसरा क्या है cot, तो cot भी पाई में से निकलता है, क्लियर। तो चलो इस तीनों में से एक एक का मैं प्रूफ दे देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया है, प्रूफ की कोई जरूरत है नहीं यार, पर चलो ना दे देता हूँ एक एक प्रूफ समझने के लिए। तो देखो फर्स्ट में प्रूफ आपको बताता हूँ कि sin इनवर्स 1/x is equal to cosec inverse x, ये हमें प्रूफ करना है ना।
तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम, अभी तक हम मान के ही चलते थे, अभी हम मान के ही चलते थे, यहां अभी मैं मान लेता हूं, चलो ये आईडिया थोड़ा अच्छा रहेगा, तो मान लेता हूं लेट साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोई वाई है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स को इस साइड राइट हैंड साइड भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, होगा कि नहीं, ओके। अब देखो मुझे कोस में जाना है ना, सॉरी कोसेक में जाना है ना, तो इसको मैं उल्टा देता हूं, तो ये साइन वाई है वो क्या हो जाएगा, कोसेक वाई, क्योंकि साइन का इनवर्स कोसेक है ना। अब इसको मैंने वन अपॉन में लिया तो ये वन अपॉन, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ये एक्स हो जाएगा। अब मुझे तो कोसेक इनवर्स की जरूरत है ना, तो ये कोसेक को मैं लेफ्ट हैंड साइड फिर से ला देता, तो ये कोसेक का कोसेक इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा ओनली वाई, और वाई इज इक्वल टू मैंने क्या माना था भाई ये, तो यहाँ रख दो वाई की वैल्यू, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स, ओके। तो ये तो हम प्रूव कर सकते, लेकिन ये आसान बहुत ही सिंपल है। चलो सेकंड देखो, इसका सेकंड हाँ मतलब ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूव करना है। चलो कैसे प्रूव करेंगे, इसको मान लेंगे भाई कि ये कोई वाई है, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कोई वाई, और वाई इज इक्वल टू मैं ये बता दूंगा, क्लियर। तो क्या करेंगे, इसको इसे भेज दो राइट हैंड साइड, बहुत ही सिंपल, एक की मेथड से चलना है भाई। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, चलो ठीक है ना, इसको इससे भेज दो, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन वाई, अब साइन है तो माइनस को भी अंदर बिठा देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ माइनस वाई, क्लियर। अब हमें क्या बता रहा है भाई, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन को इस साइड में ले लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो रख दो ये, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, चलो मुझे वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो माइनस को इस साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स वाई, सो माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ रख दो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये तो हम प्रूफ कर रहे हैं, आई बात समझ में। चलो थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई, मान के चलते हैं, मान के ही चलेंगे, तो चलो मान लेता हूं लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई, क्या है, कोई वाई, ओके। तो चलो कोस को राइट हैंड साइड भेज दो, यहां बचेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ वाई, अब माइनस को भी राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस वाई, मैंने यहां तीन पॉइंट लिखा था ना कि भाई अगर माइनस कोस वाई है तो कैसे लिखेंगे, अगर माइनस वाई है तो कैसे लिखेंगे, और माइनस कोट वाई है तो कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ पाई माइनस वाई, क्लियर है ना। चलो तो अब मुझे कोस इनवर्स चाहिए, तो कोस इनवर्स को मैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। चलो अब मैं क्या करता हूं कि कोस इनवर्स एक्स माइनस पाई चाहिए, तो एक काम करता हूं, ये पाई है ना, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स
एक्स। ओके अब देखो मैंने वाई इक्वल टू क्या माना था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां क्या रख देना हमें वाई की वैल्यू, तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो ये चीज रहेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये तो हमें प्रूफ करना है। देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये थर्ड नंबर की हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। चलो प्रॉपर्टी नंबर फोर पर, प्रॉपर्टी फोर में क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। दूसरी प्रॉपर्टी टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। थर्ड कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। क्लियर, चलो फिफ्थ वन देखो कि यहां देखो दो हमारी प्रॉपर्टी एक जैसी है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अगर प्लस में है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई और अपन में वन माइनस एक्स, और अगर यहाँ माइनस है तो जहां भी प्लस है वहां माइनस कर दो और जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। आगे बात समझ में, चलो ये तो जो चीज है ना वो इम्पोर्टेंट है और इसको दिमाग में बिठा देना अच्छे से कि अगर देखो हमारे पास तीन फॉर्मूले टू टेन इनवर्स एक्स के ही है, देखो टू टेन इनवर्स एक्स के ही है, पर हमें क्वेश्चन में क्या डिमांड होगी हमारी कि अगर टू टेन इनवर्स एक्स है अगर हमें साइन इनवर्स में जाना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें कोस इनवर्स में जाना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स और टेन इनवर्स में ही जाना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आई बात समझ में, जैसे भी क्वेश्चन की डिमांड होगी इसी तरह इस तीन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। क्लियर, फॉर्मूला क्या है देखो एक बार कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x2। सेकंड देखो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x2। 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x2। क्लियर, चलो एक एक का मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूं, प्रूफ दे देता हूं। तो फर्स्ट देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, ये सब कुछ प्रूफ करना है ना। तो मान के ही चलते थे और मान के भी चलेंगे, क्या मान लेंगे हम भाई कि अगर ये साइन इनवर्स एक्स है ना, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोई वाई मान लेते हैं, ठीक है। चलो साइन को राइट हैंड साइड देख लो, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। क्लियर, अब देखो मुझे कोस में जाना है ना, तो एक बार मैं साइन को कोस में ट्रांसफर कर देता हूं। देखो कैसे करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू कोस पाई बाय टू माइनस पाई, लिख सकते हैं इसे पाई बाय टू माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पाई बाय टू है इसीलिए क्या हो जाएगा ये कोस का क्या हो जाएगा साइन। क्लियर, अब देखो कोस को मैं राइट लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूं क्योंकि मुझे कोस इनवर्स एक्स की भी जरूरत है, तो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो, और यहां बचेगा पाई बाय टू माइनस वन। चलो वाई को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूं तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय, ये माइनस वाई इस साइड आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, पर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है इसको मैं यहां रख देता हूं तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय, तो ये तो हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, बहुत ही सिंपल था। चलो ये फोर्थ वन देखो, सॉरी फिफ्थ वन देखो, तो इस यहां हमें क्या प्रूफ करना है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स, ये हमें प्रूफ करना है ना। देखो हमारे पास यहां टेन इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स था, तो मैंने एक
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई वन, क्लियर। पर यहाँ पे देखो टेन इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स वाई है, मतलब यहाँ वेरिएबल एक ही था, एक्स ही था ओनली, और यहाँ वेरिएबल कितने हैं, दो है, एक्स है और वाई है। तो हम जितने वेरिएबल है इतना हम मानेंगे, मतलब यहाँ एक वेरिएबल था तो एक वेरिएबल के ही लिए मानते थे, यहाँ दो वेरिएबल है तो हम दो वेरिएबल के लिए मानना पड़ेगा, क्लियर। चलेंगे तो हम मान के ही चलेंगे, तो इसको मैं मान लेता हूँ टेन इनवर्स एक्स को, लेट टेन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूँ कोई ए है, और इसको मैं मान लेता हूँ एन, और टेन इनवर्स वाई को मैं मान लेता हूँ कोई बी, ओके। तो टेन एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टेन ए और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बी, ओके ना, टेन बी। चलो अब हमें ये प्रूफ करना है, तो हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन था ना हमारा इलेवन को, एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखो क्या फॉर्मूला था वो, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला था, क्लियर। अब देखो यहां से लिखता हूं टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, और टेन ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स, टेन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, वाई अपॉन वन माइनस टेन ए की जगह एक्स और वाई की जगह बी की जगह वाई। तो ये देखो कुछ नजीक हम आसपास को लेकर ये देखो मिल गया। अब मुझे यहाँ टेन इनवर्स की जरूरत है ना, तो टेन को इस साइड भेज देता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स अपन वन माइनस एक्स, होगा कि नहीं बोलो, हाँ कि ना। चलो अब ए और बी की वैल्यूज रख दो, क्योंकि लेफ्ट देखो राइट हैंड साइड तो मेरा आ गया, लेफ्ट हैंड साइड अब मुझे वैल्यू ही पुट करनी है। तो ए इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ए की जगह टेन इनवर्स एक्स, बी की जगह टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, आंसर टू हो गया प्रूफ, ठीक है, नहीं बोलते आसान, बट ओनली आपको लॉजिक आना चाहिए कि अगर मेरे पास एक ही वेरिएबल है तो मैं एक वेरिएबल के लिए मानूंगा, अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो मैं दोनों वेरिएबल के लिए कुछ ना कुछ तो मानूंगा, तो ही मेरा आंसर आएगा, क्लियर है बात। चलो लास्ट देखते हैं प्रॉपर्टी, देखो ये लास्ट वाले है ना, ये लास्ट थ्री प्रॉपर्टी सोल्व करने के लिए आपको तीन फॉर्मूले दिमाग में होना चाहिए, कौन से फॉर्मूले, देखो मैं यहां लिख देता हूं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला और साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, और दूसरा है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तीसरा टेन का है टेन टू थीटा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तीन फॉर्मूला है, और तीनों तीन फॉर्मूला जो है ना वो आपकी ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला है, किसके फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला है। तो इन तीनों प्रॉपर्टी को सोल्व करने के लिए अगर ये आपके दिमाग में ही है तीनों फॉर्मूला, तो आप आसानी से सोल्व करेंगे। देखो फर्स्ट में सोल्व करता हूं, फर्स्ट में सोल्व करता हूं, ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन में ना, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x, क्लियर। तो देखो अगर मैं यहां x की जगह 10 रख दूं
x की जगह क्या रख दूं, 10 रख दूं, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा के लिए, ओके जो देखो तो मैं ले लेता हूं, मैं देखो यहां राइट हैंड साइड का यूज करूंगा, राइट हैंड साइड का यूज करके मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ दम कम है नहीं, ओनली 2 tan और sec ही है, तो राइट हैंड साइड में ले लेता हूं, देखो राइट हैंड साइड क्या है मेरा, sin इनवर्स 2x / 1 + x स्क्वायर, ओके अब मैं ले लेता हूं, देखो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा है, अब मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा लिया, मतलब मैंने वेरिएबल को चेंज किया, x में मैं कहां जाता हूं अब थीटा में, तो मुझे थीटा की भी पर्टिकुलर वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो tan को इसे वैल्यू ये हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा थीटा, क्योंकि मैं यहां वेरिएबल चेंज करता हूं, x जो वेरिएबल था वहां से मैं कहां जाता हूं थीटा में, तो थीटा की भी मुझे पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, क्लियर, तो मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, देखो अब राइट हैंड साइड में रखते थे x की जगह tan थीटा, सो राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 x की जगह tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा है ना, तो ये देखो ये sin इनवर्स ये क्या है भाई sin 2 थीटा, और अगर हम मेरा यहां इनवर्स फंक्शन है और यहां फंक्शन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल टू, तो बचेगा क्या है 2 थीटा, इनवर्स फंक्शन है और फंक्शन है तो दोनों क्या हो जाते हैं कट, क्लियर, अगर मेरे पास 5 है और यहां 5 इनवर्स है, 5 इनवर्स यानी 1 / 5 है, ये 5 का कट हो जाएगा a का 1, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, 1 लिखना लिखने की जरूरत नहीं है, तो ओनली बचेगा क्या 2 थीटा, और थीटा थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x, देखो ये तो हमें प्रूव करना है, ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या आ गया LHS, इसका मतलब RHS इज इक्वल टू क्या आ गया LHS, RHS इज इक्वल टू क्या आ गया LHS, RHS और LHS सेम आ जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ, लेकिन ये बहुत ही आसान, ये तीन फॉर्मूला दिमाग में बिठा लेना, क्लियर, ये तीनों आगे भी काम आने वाले हैं, चलो नेक्स्ट देखते हैं।